बसमिल वरमि जी भाई जान क्या हाल है ठीक है खरीय से हैं मैं आपका दोस्त उमरान भाई जोगी शनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से मैं अपने आज भाइयों के लिए एक नुस्खा लेकर आया हूँ ये आप पारा देख रहे हैं ये पारा लर्जा पारा का नुस्खा ले कर आया हूँ और ये सेंखिए हैं इनका नुस्खा है ये यानि कि यह दाब बनेगी ये चार सेंखिए लेने दो ये मेरे पास थे और सुरख और काला सेंखिया ये नहीं है ये सारे केमिकल के होते हैं ये सारा ही केमिकल होता है अब आपने क्या काम करना है तीन तीन पाओ ये चारों सेंखिए ले लें तीन पाओ कलमी शौरा ले लें ढाई लीटर ढाई से तीन लीटर नींबू देसी का पानी निकाल लें पानी निकाल के अब आपने क्या काम करना है कि हमाम दस्ता आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर है ये ये दो तीन सूत्र मोटा होता है हमाम दस्ता जो होता है और वो ऊपर से लेकर नीचे तक बराबर का होना चाहिए ठीक है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें तीन पो कलमिश हो रहा तीन तीन पो ये चारों सेखिए लेके उसके अंदर ये मिक्स करके पीस के डाल दें डालने के बाद भाईजन आपने क्या काम करना है कि ऊपर इसके एक ढक्कन लगाना है यानी कि इस तरह आपने ऊपर ढक्कन लगाना है इसके दरमियान में एक गोल सुराख निकलवाना है जो सुराख आपका दो इंच खुला में हो दो इंच ऊपर खुला और पाँच से छः इंच लंबा ऊपर पैप लगा दे उस पैप के ऊपर ऐसे एक पैप लगवा देना कि वो छोटा थोड़ा सा पैप होना चाहिए उस पैप के आगे आपने प्लास्टिक का पैप लगवाना है ठीक है उस जो आगे ऊपर पैप लगा होगा ना उसके ऊपर आपने प्लास्टिक का पैप लगवाना है जो आपका पैप नीबू के पानी के अंदर लगना है तो अब आपने क्या काम करना है कि उसको ना निकाल लिया नींबू का पानी जो है उसके अंदर आपने ये पैप लगा दिया प्लास्टिक की कैन होनी चाहिए थोड़ी सी मोटी एक नंबर कैन होनी चाहिए जब ये निकलेगा ना इसके जोर अंदर से बाहर आएंगे ना धुआं ऑक्सीजन इसका बाहर निकलेगा तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि कैन जो है वो पिघले ना या आगे कोई स्टील का बर्तन लगा लें ठीक है बाल्टी लगा लें उसके अंदर आप रख लें ऊपर थोड़ा सा छापर लगा दें इसकी भाप बाहर ना निकले तो इसको जहाँ मर्जी कायम करें घर में करें बाहर करें जिधर मर्जी करें इसका ऑक्सीजन नहीं बाहर निकलेगा इसकी स्मेल नहीं आएगी इसकी स्मेल ही पूरी की पूरी इस पानी के अंदर ही जजब होगी ये सारा शोरा और ये सेंखिए जो इन पाँचों चीज़ों का जोर इसके अंदर ही बैठ जाएगा ठीक है अब आपने इस तरह करना है कि इसको ऊपर रख देना चूल्हे के नीचे बर्नल वाला बर्नल लगा होना चाहिए ये दूसरा आम जो नॉर्मल घर में गैस होता है ना इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है जो चाय पकाने वाला चूल्हा होता है ना ये होटलों के ऊपर रखा हुआ होटल पे रखा होता है वो चूल्हा लेना है उसके नीचे बर्नर लगा होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है उसके ऊपर आपने रख देना है ढक्कन के वो चारों तरफ से अच्छे तरीके से गेल मत कर देना है पट्टी डॉक्टर वाली पट्टी लगा के कि ये ऊपर ना ऑक्सीजन ना आए इसका ठीक है मज़बूत इसको ना तार लपेट दें ऊपर और पट्टी लगा दें कि ऑक्सीजन इसका बंद हो जाए तो उसके बाद आपने क्या काम करना है कि चूल्हा गर्म फुल छोड़ दिया ये सारे जोर निकल निकल के कुछ जो इसने शोरे ने लेने हैं वो नीचे बिठा लेगा और कुछ जोर जो हैं वो पानी के अंदर मेल्ट हो जाएंगे पानी के अंदर हल हो जाएंगे अब आपने क्या किया कि ये आपका जो शोरा है नीचे जितना बैठ गया है शोरा, वो सारा बेहतरीन दाब है और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी दाब बन गई कैम दाब है कलमी शोरा और सैंखियों की तो जो पानी बचा है वो पानी आपका जो है उस पानी को आपने इस तरह करना है जब ये सारी चीज़ें ठंडी हो जाएँ दरा दाब को खरोच के बाहर निकाल लें दाब को पीस लें दाब को पीस के उसके अंदर ये न्यारे वाली बाटी में दाब को डाल दें ऊपर ये पानी छोड़ दें सारा जितने जौहर निकले होंगे वो सारे इसी के अंदर वापस डाल दें वो पानी भी डाल दें ये सारी दाब आपकी बाज़न है शोरा भी आपका बावज़न है और सेंखिए भी आपके बावज़न है इसमें एक रत्ती कम नहीं होता लो जी ये जब आप इसको इस तरह बना लेंगे ना तो ये आपकी दाब कैम है इसके अंदर दुनिया जान की जो मर्जी रूही दात पका लो ये नहीं छोड़ती इसमें कट पकाओ इसमें रस कपूर पकाओ दाल चिकना पकाओ इसमें आप वर्खिया हड़ताल पकाओ जो मर्ज़ी पकाओ ये नहीं छोड़ती ये सारी चीज़ों को कैम करती है दाब देखो कि लगा हुआ सेंखिया है और शौरा है ज़मीनी शोरा होना चाहिए देसी दूसरा ये जो आम पोटाशियम कार्बोनेट डाल के बना देते हैं वो नहीं आपने लेना आम जमीनी शोरा ज़मीनी शोरा देसी होना चाहिए अच्छा अब क्या हुआ कि ये आपकी दाब होगी कैम इसके अंदर आप रखें सिम्बल फार सिम्बल फार रखें यहाँ से दाब एक पाव निकाल लें एक पाओ दाब निकाल के उसके बाद इसके अंदर है, जिस तरह ये पारा पड़ा है नीचे आपने सिम्बल फार डाल देनी है नीचे पैदे के ऊपर आपने कप के अंदर डालनी है नीचे आपने पच्चीस ग्राम सिम्बल फार डाल दी ऊपर आपने एक पौधा आप डाल दी इसको मज़बूत गिलकमत करके आपने इसको चूरे की आग दे देनी है चूरे की आग देने के बाद भाईजान ये सिम्बल फार निकालें सिम्बल फार कैम है इसी सिम्बल फार को उठा के प दो तोले वर्खियाँ लेके कर के ऊपर आप लेप कर दें कुारगंदल का पानी लगाएँ अगर तेल करना चाहते हैं तो थोड़ा सा तेल लेट होता है मगर ये सारी तेल बन जाती है हवाई तेल हो जाती है तो आप इसको इस तरह करें कि ये चक्कर खा के सिम्बल फार मिलेगी साढ़े तीन किलो इसको आग दे दें ऊपर से चूरे की ये सिंबल फार निकालें निकाल के दो तोले की डली वर्किया की चतराली वर्किया लेनी है अच्छी क्वालिटी की उसके ऊपर लेप करके जनाब इसको आप फिर इसी कप में डालें ऊपर पाव दाब डालें खुशक कर लेनी है ठीक है ये खरोट की तरह खुशक हो जाए इसको आप दोबारा वर्किया के इसके अंदर रखें वर्किया आपकी जो कलर में नहीं निकलेगी पूरी सुरख ये हल्की हल्की स्याह मैल होगी और सुरख होगी तो ये वर्किया और ये सिम्बल फार जितनी देर सिम्बल फार और वर्किया का मिलाप नहीं होगा पारा कभी नहीं ना लर्जा होता तो ना ये कैम होता है पारा कुछ भी नहीं होता इसको ये कुछ भी नहीं बनता अब आप इस तरह करें कि टेस्ट टूप ले लें टेस्ट टूप ले कर ये सिम्बल फ़ार और वर्किया दोनों पीस के जब पारा गर्म हो रेत यंत्र पर टेस्ट टूफ रख के इसको आप इस तरह करें कि जब ये पारा फड़फड़ाने फट, लगे ना ऊपर उड़ने लगे तो ये टैल कम्पोडर कर लें जिस तरह बाबा जी नई मै बताते हैं उसी तरह टेलकम पाउडर करके इसके ऊपर आपने चुटकियाँ मारनी हैं आपका पारा पचास ग्राम होना चाहिए इसके ऊपर जैसे चुटकियाँ मारेंगे ये नीचे पारा आपका बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा इस पारे को ये उड़ने नहीं देंगी दोनों चीज़ें ये दोनों चीज़ें कायम है एक चीज़ कायम है तो वो दूसरी को खुद ब खुद ही चीज़ कर क़ायम कर लेती है क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही क़ायम है और वर्किया भी कायम है सिमल फार भी कायम है भाईजान ये पारा आपका लर्जा है ठीक है इस पारे को आप जहाँ मर्जी अपने काम में लाएँ मगर मैं आस्ता आस्ता इसकी सारी चालें बताऊँगा तो ये पारा इस हद हाँ तक आपका कायम हो गया है और इसको जिधर मर्जी ले जाएँ ये सिंबल फ़ार और वर्ख़िया जो है इसके ऊपर तेल बन के खड़ी हो जाएगी कुछ थोड़ा बहुत पारा इसके अंदर आ जाएगा ठीक है तो इसकी आगे आप खुराकें आप जानते हैं माशाल्लाह जितने भी तिब यूनिफिकेशन में, में मेरे दोस्त हकीम भाई हैं वो सारे वर्खिया की खुराकों को भी जानते हैं और सिंबल फ़ार को भी जानते हैं तो इसको खुराकी चलाएँ ऊपर जो सिंबल फार और वर्किया है ये सैयद रजवान शाह साहब के चैनल पे भी नुस्खा चलेगा मेरे जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल पे भी चलेगा और बाबा जी नए मदर साहब के चैनल पे भी चलेगा ये नुस्खा जिधर मर्जी वो चलाएं मैंने अपने बाबा जी नए मदर साहब के उस्ताद मोहतरम के नाम ये नुस्खा किया और आप सब के नाम किया नुस्खा इसको जो मर्ज़ी कोई भी बनाना चाहता है तो मेरा भाई बनाए अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ ओके अल्लाह हाफिज़